गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में, पिछले इकोनॉमिक्स के लेक्चर में हमने देखा था जीवी कैसे रिलेटेड है जीडीपी से, है ना। हमने एक फार्मूला डिराइव किया था, है ना, जीवी और जीडीपी के बीच में हमने रिलेशन इस्टेब्लिश किया था। और वो रिलेशन क्या था, जीवी इक्वल टू जीवी एट, मैंने बताया था आपको कि जीवी फैक्टर कॉस्ट और बेसिक प्राइस दोनों पे निकाला जा सकता है, फैक्टर कॉस्ट और बेसिक प्राइस। बाकी जो जितने इंडिकेटर्स हैं नेशनल इनकम के, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, वो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पे निकलता है, लेकिन जीवीए फैक्टर कॉस्ट और बेसिक प्राइस पे निकलता है। तो जीवीए एट बेसिक प्राइस का फार्मूला था जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस प्रोडक्ट टैक्स, प्रोडक्ट टैक्सेस प्लस प्रोडक्ट सब्सिडी, ये हमने फार्मूला देखा था। ये फार्मूला आता है, यही रिलेशन है बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में, है ना, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में यही रिलेशन है। जब बेसिक, जब मार्केट प्राइस में से प्रोडक्ट टैक्सेस को घटाते हैं और प्रोडक्ट सब्सिडीज को जोड़ते हैं तो वो देता है बेसिक प्राइसेस। इसीलिए जीवी एट बेसिक प्राइस क्या होगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस प्रोडक्ट टैक्सेस प्लस प्रोडक्ट सब्सिडीज, ठीक है। अब जीवी एट बेसिक प्राइस को हमें जीवी एट फैक्टर कॉस्ट के टर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि जीवी एट बेसिक प्राइस, मैंने बताया था आपको कि जीवी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये दोनों इक्वल ही होता है। फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी निकाले आप या फैक्टर कॉस्ट पे जीवीए निकाले, दोनों सेम ही है, क्योंकि जीवीए क्या था, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, यानी इंटरमीडिएट लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे हर लेवल पे जो वैल्यू कैलकुलेट हो रहा है, जो वैल्यू निकल कर आ रहा है प्रोडक्ट्स का, हर लेवल पे जो वैल्यू एडिशन हो रहा है उसको हम कैलकुलेट करते हैं और जोड़कर जो निकलता है वो जीवीए होता है। और जीडीपी क्या है, फाइनल वैल्यू जो निकलता है फिनिश गुड्स का, जो फाइनल वैल्यू निकलता है उसको जीडीपी कहते हैं। ये इंटरमीडिएट लेवल पे, हर लेवल पे जो वैल्यू एडिशन हो रहा है ना, वैल्यू उसको जोड़ देते हैं तो वो जीवी आता है। इसमें फाइनल वैल्यू जो होता है वो जीडीपी होता है। लेकिन जब फैक्टर कॉस्ट पे देखेंगे तो फैक्टर कॉस्ट पे दोनों सेम होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल पे हर लेवल पे जो वैल्यू एडिशन हुआ वो वैल्यू एडिशन अगर फैक्टर कॉस्ट के टर्म में ले रहे हैं तो सेम लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप और उसको जोड़ेंगे। यहां पे क्या करेंगे, फाइनली एक खर्च देखेंगे कि फाइनली इसको फिनिश गुड को फिनिश करने में, बनाने में जो फैक्टर कॉस्ट लगा उसके आधार पे हम निकालेंगे, है ना। तो हर इंटरमीडिएट लेवल पे जो फैक्टर कॉस्ट को जोड़ेंगे और फाइनली जो फैक्टर कॉस्ट को हम जोड़ रहे हैं दोनों सेम ही होगा। इसीलिए जीवी एट फैक्टर कॉस्ट हमेशा बराबर होता है जीवी एट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब मैंने यहां पे आपको बताया था कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट होता क्या है। यहां पे मैंने बताया था कि जीडीपी, जो ये फॉर्मूला हमने आपको हमने डिराइव किया था कि बेसिक प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस प्रोडक्ट टैक्सेस प्लस प्रोडक्ट सब्सिडी। मैंने आपको बताया था कि मार्केट प्राइस जो हम निकालते हैं उसमें दोनों तरह के टैक्स होते हैं, है ना। मार्केट प्राइस कैसे निकलता है, फैक्टर कॉस्ट में टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ते हैं और सब्सिडीज को घटाते हैं। तो जो वहां टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ रहे हैं उस इनडायरेक्ट टैक्सेस में दोनों टैक्सेस आते हैं, प्रोडक्ट टैक्स भी और प्रोडक्शन टैक्स भी। प्रोडक्ट टैक्स क्या है, जो फिनिश गुड पे जो टैक्स लग रहा है उसको प्रोडक्ट टैक्स, और प्रोडक्शन के दौरान जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, है ना, जैसे जो आपने वेजेस दिया या रेंट दिया उसमें जो टैक्स आपका लग रहा है वो प्रोडक्शन टैक्स, तो दोनों टैक्सेस इसमें शामिल है। जीडीपी मार्केट प्राइस क्या होता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैंने बताया था आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, है ना। तो इसकी जगह पे हमने जीडीपी एट मार्केट प्राइस की जगह पे हमने क्या लिख दिया, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, इसकी जगह पे ये लिखा। साथ ही साथ ये पहले से है तो माइनस प्रोडक्ट टैक्सेस, माइनस प्रोडक्ट टैक्सेस प्लस प्रोडक्ट सब्सिडीज, प्रोडक्ट सब्सिडीज,
क्योंकि जीवीए बेसिक प्राइस पे निकालते समय हमें प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, हमें इंटरमीडिएट लेवल से मतलब है। क्योंकि मार्केट प्राइस में दोनों टैक्सेस हैं, प्रोडक्ट टैक्सेस भी हैं और प्रोडक्शन टैक्सेस भी हैं, तो हमें प्रोडक्ट टैक्स को घटाना होगा क्योंकि हमें सिर्फ प्रोडक्शन से मतलब है। जीवीए में हमें क्या मतलब है, सिर्फ प्रोडक्शन से, तो प्रोडक्ट टैक्स को घटाना पड़ेगा। और वहां जो हमने सब्सिडी घटाया था है ना, मार्केट प्राइस निकालते समय जो सब्सिडी घटाया था, तो उसमें प्रोडक्ट सब्सिडी को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जीडीपी मार्केट प्राइस को हमने क्या लिखा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। और इस इनडायरेक्ट टैक्सेस में दोनों है, प्रोडक्ट टैक्स भी है और प्रोडक्शन टैक्स भी है। उसी तरह यहां सब्सिडी में प्रोडक्ट सब्सिडी भी है और प्रोडक्शन सब्सिडी, लेकिन हमें किसी चीज से मतलब है, सिर्फ प्रोडक्शन से, इसलिए हमने क्या किया, प्रोडक्ट टैक्स को घटा दिया और प्रोडक्ट सब्सिडी को जोड़ दिया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, और मैंने अभी बताया आपको कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बराबर क्या होता है, जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे लिख सकते हैं जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से प्रोडक्ट टैक्सेस घट जाएगा तो क्या बचेगा, प्रोडक्शन टैक्सेस, प्रोडक्शन टैक्सेस, और टोटल सब्सिडी में से है ना, प्रोडक्ट सब्सिडी में से, प्रोडक्ट सब्सिडी में से टोटल सब्सिडी घटा देंगे तो क्या बचेगा, माइनस के रूप में प्रोडक्शन सब्सिडी। ये मैथमेटिक्स है, प्रोडक्शन सब्सिडी, और ये हमारा फॉर्मूला मिल गया, जीवीए एट बेसिक प्राइस इक्वल टू जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज। ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किया। तो ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक जीडीपी के टर्म में है ना, और एक जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट के टर्म में। तो ये दो फार्मूला आपको याद रखना है। दिस इज ऑल अबाउट जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन, जो कि 2015 में ऐड किया गया था। ओके, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो कंसेप्ट है मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमी। ठीक है, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा कि मैक्रो इकोनॉमी या माइक्रो इकोनॉमी करके आता है, तो ये है क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको बारीकी से यहां पे समझेंगे है ना। तो मैक्रो इकोनॉमी होता है, मैक्रो इकोनॉमी का मतलब होता है द इकोनॉमी विच डील्स विद द इकोनॉमी ऑफ यूनिट, विच डील्स विद द इकोनॉमी ऑफ यूनिट, प्रोविंस, नेशन और वर्ल्ड। यानी किसी भी यूनिट से, यानी कोई शहर है उसकी इकोनॉमी आपको अगर देखनी है तो वो किसके अंदर आएगा, मैक्रो इकोनॉमी के अंदर। ओवरऑल जो इकोनॉमी का पिक्चर आपको देखना है किसी शहर का या किसी प्रोविंस का यानी स्टेट का या नेशन का या वर्ल्ड का, तो किसमें आएगा, मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, वो मैक्रो इकोनॉमी में ये आएगा, किसी यूनिट का, प्रोविंस का, नेशन का या वर्ल्ड की जो ओवरऑल इकोनॉमी हम देख रहे हैं, उसकी आर्थिक जो दशा देख रहे हैं, वो किसमें आएगा, मैक्रो इकोनॉमी। जैसे कि किसी भी देश का जो जीडीपी है या उस देश में इन्फ्लेशन का क्या रेट अभी चल रहा है ना, जीडीपी कैसी है, नेशनल इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, ये सारी चीजें मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट है। क्योंकि जीडीपी या फिर इन्फ्लेशन या फिर नेशनल इनकम में हम क्या देख रहे हैं, उस देश की या उस यूनिट की जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, माइक्रो में क्या आता है, माइक्रो में आता है इंडिविजुअल लेवल पे है ना, यूनिट लेवल पे जो इकोनॉमी डील करता है, जैसे कि बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स, सेलर्स, बिजनेस फर्म्स। यानी इकोनॉमी का वैसी इकोनॉमी जो इंडिविजुअल मार्केट में जो प्लेयर्स हैं, मार्केट में कौन कौन से प्लेयर हैं, बायर्स हैं, सेलर्स हैं और बिजनेस फर्म्स हैं, यही तीन मार्केट के जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं, यही मार्केट के एजेंट हैं। तो मार्केट में जो प्लेयर्स हैं, जो इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं, उनके बिहेवियर के साथ जो डील करे उस इकोनॉमी को कहेंगे माइक्रो इकोनॉमी है ना, उनके बिहेवियर को जो स्टडी करे उसको कहेंगे माइक्रो इकोनॉमी। जैसे मार्केट में कई सारे प्लेयर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होता है ना, उपभोक्ता होता है, सेलर्स होता है, बेचने वाला होता है, और बिजनेस फर्म होता है जो मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो ये सारे मार्केट के प्लेयर हैं, वो इंडिविजुअल प्लेयर हैं जो मार्केट को ड्राइव करते हैं, और इनके बिहेवियर के स्टडी को ही क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमी। यानी यूनिट लेवल पे हम चले गए है ना, इकाई लेवल पे हम जाके देख रहे हैं इकोनॉमी को, ये क्या
क्या प्रभाव है, तो उसको क्या कहते हैं माइक्रो इकोनॉमी। तो ये डिफरेंस है। जब ओवरऑल पिक्चर देखते हैं किसी देश का, किसी राज्य का या किसी शहर का, ओवरऑल पिक्चर क्या है उसका, उनका स्टेटस क्या है, नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, तो उसे बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमी, है ना, मैक्रो MACRO। और जब इंडिविजुअल लेवल पे जब हम देखते हैं, है ना, कि इंडिविजुअल लेवल पे जो मार्केट के प्लेयर्स हैं, जो जो पूरे देश की इकोनॉमी को ड्राइव कर रहे हैं, है ना, इंडिविजुअल लेवल पे उनका बिहेवियर क्या है, जब उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, यानी कंज्यूमर सेलर या बिजनेस फर्म्स के बिहेवियर को जब डील करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमी। और इन दोनों के बीच में काफी बड़ा रिलेशन होता है, है ना, माइक्रो इकोनॉमी ड्राइव मैक्रो इकोनॉमी, यानी माइक्रो इकोनॉमी ही मैक्रो इकोनॉमी को ड्राइव करता है। यानी किसी देश की जब आर्थिक स्थिति आपको जाननी हो, उसका नेशनल इनकम जानना हो, उसका जीडीपी जानना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस देश के जो कंज्यूमर्स हैं, जो सेलर्स हैं या बिजनेस फर्म हैं, उनके बिहेवियर को पहले स्टडी करते हैं। यानी मैक्रो इकोनॉमी को समझने के लिए माइक्रो इकोनॉमी समझना जरूरी है, और माइक्रो इकोनॉमी को समझने के लिए मैक्रो इकोनॉमी समझना जरूरी है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, किसी देश में इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, किसी देश का इन्फ्लेशन रेट हाई है, इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई, यानी प्राइस की वैल्यू बढ़ जाना किसी सामान का, तो ये किसका पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमी का पार्ट है। इन्फ्लेशन किसका पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमी का पार्ट है, मैक्रो MACRO। बट ये जो इन्फ्लेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कंज्यूमर्स और सेलर्स के बिहेवियर पे। आपको पता होगा कि इन्फ्लेशन कैसे क्रिएट होता है, इन्फ्लेशन डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे। अगर किसी चीज का डिमांड काफी ज्यादा है, है ना, और सप्लाई कम है, तो उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, यानी इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो अगर हमें किसी देश का इन्फ्लेशन समझना है, तो उसके लिए हमें जो कि एक माइक्रो इकोनॉमी का पार्ट है, उसके लिए हमें माइक्रो इकोनॉमी को स्टडी करना होगा, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है किस पे डिपेंड कर रहा है, बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स सेलर एंड बिजनेस फर्म्स पे, है ना, कि कंज्यूमर्स कितना डिमांड कर रहे हैं, है ना, इन्फ्लेशन किस पे डिपेंड करता है, डिमांड और सप्लाई पे, है ना। तो अगर कंज्यूमर्स ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई और सेलर उसकी सप्लाई कम दे रहे हैं, या जो बिजनेस फर्म्स हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, वो सप्लाई कम कर रहे हैं, तो उसका रेट बढ़ेगा। यहां हमने देखा कैसे रिलेशन है मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी का। दूसरा एग्जांपल है, जैसे किसी देश की जीडीपी आपको जाननी है, यानी किसी देश के जीडीपी में ग्रोथ आपको जानना है कि कैसे ग्रोथ हो सकता है, तो उसके लिए हमें माइक्रो इकोनॉमी को पढ़ना होगा, है ना, उसके लिए हमें जो मार्केट प्लेयर्स हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करना होगा। जैसे जीडीपी ग्रोथ का मतलब होता है डिमांड का बढ़ना, है ना, जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगा, जब मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, है ना, जब डिमांड इंक्रीज होगी तो इसको पूरा करने के लिए क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, है ना, इसको पूरा करने के लिए प्रोडक्शन होगा, यानी सप्लाई होगी, और इसके लिए प्रोडक्शन के लिए क्या करना जरूरी है, इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने के कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के कारण पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, और पर कैपिटा इनकम बढ़ने के कारण जीडीपी में ग्रोथ होगा, है ना। तो एक दूसरे से ये रिलेटेड है, यानी किसी भी देश की जो मैक्रो इकोनॉमी होती है वो उसके माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, यानी बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर सेलर और बिजनेस फर्म, ये जो तीन प्लेयर है मार्केट के, उस पे डिपेंड करती है। उसी तरह किसी भी देश का जो माइक्रो इकोनॉमी है वो भी कहीं ना कहीं मैक्रो इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। जैसे किसी भी देश में जो बायर्स या कंज्यूमर्स हैं, उनका जो बिहेवियर है, वो कितना डिमांड कर रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा, गवर्नमेंट के पॉलिसी पे, वहां की जीडीपी पे, है ना। जिनका जितना जीडीपी हाई होगा किसी भी देश का, है ना, उतना पर कैपिटा इनकम उनका हाई होगा, और जितना पर कैपिटा इनकम हाई होगा उतना डिमांड वो लोग करेंगे, है ना, और उसी तरह से सप्लाई भी होगी। तो ऐसा बोल सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, है ना, माइक्रो इकोनॉमी एंड माइक्रो इकोनॉमी। ओके, थैंक यू।